गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछली बार हम ये पढ़ रहे थे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और क्रेब्स साइकिल ऑपरेट होती है और किस तरह से उनमें एटीपी का प्रोडक्शन होता है। उस टॉपिक के लास्ट में हमने ये भी देखा था कि क्या क्या हर एक स्टेप में एटीपी का प्रोडक्शन होता है और टोटल एटीपी कितने बनते हैं और किस तरह से बनते हैं। तो अगला जो टॉपिक है पेज 234 पर रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, यहाँ पर हम यही चीजें एक बार फिर से डिस्कस करने वाले हैं। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट का मतलब यह है, बैलेंस शीट का मतलब होता है हिसाब किताब, और रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट का मतलब यह है कि रेस्पिरेशन के दौरान एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के रेस्पिरेशन यानी कि ब्रेकडाउन के दौरान कितने एटीपी रिलीज होते हैं उसको कहते हैं हम रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। लेकिन उसमें कुछ एजम्पशंस भी हैं, ये एजम्पशंस यहाँ लिखी हैं। सबसे पहला लिखा है कि देयर इज अ सीक्वेंशियल ऑर्डरली पाथवे फंक्शनिंग विद वन सबस्ट्रेट फॉर्मिंग द अदर। इसका मतलब क्या है कि एक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो अगले में कम्प्लीटली यूज होगा, वो कहीं और यूज नहीं होगा और वो अनयूज भी नहीं रहेगा। जैसे ग्लूकोज के ग्लाइकोलिसिस में एंटर करने से बनता है पिरुवेट या पिरुविक एसिड, वो पिरुविक एसिड कम्प्लीटली नेक्स्ट स्टेप में एंटर होना चाहिए, ठीक है, वो किसी और चीज के प्रोडक्शन में यूज नहीं होना चाहिए ना वो अनयूज रहना चाहिए, ये है इसका कहने का मतलब। दूसरा, एनएडीएच सिंथेसाइज जो है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में यूज होगा जो कि ग्लाइकोलिसिस में प्रोड्यूस हुआ था, उस एनएडीएच का यूज किसी और पर्पज में किसी और रिएक्शन में नहीं होना चाहिए, तब जाके आपका ये जो 36 या 38 का आंकड़ा है ये सही बैठेगा। देखो नॉर्मली हमारी बॉडी में क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये कहीं ना कहीं यूज हो जाते हैं या अनयूज रह जाते हैं, इस वजह से जो टोटल एटीपी है वो 36 या 38 की जो मैंने संख्या पिछली बार बताई थी उसको अचीव नहीं कर पाता, वो आदर्श परिस्थितियों में है क्योंकि ये चीजें लगातार डायनेमिक होती हैं, किसी न किसी प्रोसेस में यूज होती रहती हैं दूसरे चीजों के प्रोडक्शन में, इसीलिए वो वाली चीज कभी अचीव नहीं हो पाती। तो हमने जो अभी अभी पढ़ा है कि इतनी एटीपी बनते हैं वो एक आदर्श स्थिति है। तीसरा, नन ऑफ द इंटरमीडिएट्स आर यूटिलाइज्ड टू सिंथेसाइज एनी अदर कंपाउंड, ये ना ये मैंने अभी अभी बता दिया। ओनली ग्लूकोज इज बीइंग रेस्पायर्ड, नो अदर ऑल्टरनेटिव सब्सट्रेट्स आर एंटरिंग इन द पाथवे, क्योंकि अगर दूसरे मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनसे कम एटीपी रिलीज हो सकती है, उनके ब्रेकडाउन का प्रोसेस भी अलग है। जैसे अगर फैटी एसिड यूज होगा तो उसका प्रोसेस अलग है, अगर प्रोटीन यूज होगा सब्सट्रेट के रूप में तो उसका प्रोसेस अलग है। लेकिन हम ग्लूकोज का ही क्यों पढ़ते हैं, हम तो बहुत कुछ खाते हैं। इसका आंसर यह है कि ग्लूकोज का इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ग्लूकोज सबसे सिंपल कंपाउंड है ब्रेकडाउन के लिए। बट दीज काइंड ऑफ एजम्पशंस आर नॉट रियली वैलिड इन लिविंग सिस्टम्स, ऑल पाथवे वर्क साइमल्टेनियसली एंड डू नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जरूरी नहीं कि अगला जो स्टेप है यानी क्रेब्स साइकिल है वो ग्लाइकोलिसिस के एकदम बाद हो ही जाएगा, ये सब एजम्पशंस है यानी कि ये माना गया है। सबस्ट्रेट्स एंटर द पाथवे एंड आर विड्रॉन फ्रॉम इट एज एंड व्हेन नेसेसरी, जैसे कि सपोज करो कि अगर ए से बी बनता है और बी से सी और सी से डी बनता है तो इस तरह का लीनियर पाथवे कौन सा है, ग्लाइकोलिसिस। अब जरूरी नहीं कि जितने की बी हैं वो सबके सब सी में कन्वर्ट हो जाएं या सी जितने हैं वो डी में कन्वर्ट हो जाएं, वो किसी और रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बॉडी में ऐसा होता है कि जो रिएक्शंस होते हैं वो आइसोलेशन में नहीं होते। एंजाइमेटिक रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल मींस, कैसे, जैसे टेम्परेचर से रेगुलेट होते हैं, पीएच से रेगुलेट होते हैं, और एक तुमने पढ़ा होगा कि वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन मॉड्यूलेशन इन सब चीजों से भी इफेक्ट होते हैं। एंजाइम येट इट इज यूजफुल टू डू दिस एक्सरसाइज टू अप्रिशिएट द ब्यूटी एंड एफिशिएंसी ऑफ लिविंग सिस्टम्स इन एक्सट्रैक्शन एंड स्टोरिंग एनर्जी, हेंस देयर कैन बी अ नेट गेन ऑफ 36 एटीपी मॉलिक्यूल। उन्होंने कैन इसीलिए लिखा है क्योंकि ऐसा आदर्श परिस्थितियों में हो सकता है। अब एरोबिक और फर्मेंटेशन का कंपैरिजन दिया है। फर्मेंटेशन में पार्शियल ब्रेकडाउन होगा, ये पहला डिफरेंस है। पार्शियल डिफरेंस इसीलिए क्योंकि उसमें एक ही स्टेप ऑपरेट होता है, जबकि जो एरोबिक ब्रेकडाउन है एरोबिक रेस्पिरेशन उसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन यानी कि जितने भी CO2 के मॉलिक्यूल निकलने चाहिए वो निकलेंगे, जितनी एनर्जी बननी चाहिए वो बनेगी। दूसरा,
फर्मेंटेशन में नेट गेन सिर्फ 2 एटीपी का मॉलिक्यूल है, क्योंकि वहां पर सिर्फ ग्लाइकोलिसिस ऑपरेट होता है, जबकि दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में यानी कि फर्मेंट एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, इसलिए उसमें जितने एटीपी आने चाहिए सब आते हैं। अगला, एनएडीएच इज ऑक्सीडाइज टू एनएडी प्लस रेदर स्लोली इन फर्मेंटेशन, क्योंकि वो जो रिएक्शन है वो स्लो रिएक्शन है, इसलिए उसमें एनएडी स्लोली बनेगा। हाउएवर रिएक्शन इज वेरी विग्रस इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये जो चीजें हैं ये क्या करनी है, हमें याद रखनी है, डिफरेंस अक्सर पूछे जा सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फीबॉलिक क्या होता है, एम्फीबॉलिक वर्ड जो है इसके शुरू में आए हैं एम्फी, और एम्फी का मतलब होता है बोल। तो हम किस किन दो चीजों की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म के दोनों टाइप्स की, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, यानी कि ब्रेकडाउन एज वेल एज फॉर्मेशन। तो ये जो पाथवे जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये पाथवे कैसा है, इसमें चीजें बनती भी हैं और टूटती भी हैं। रेस्पिरेशन वाला जो प्रोसेस है वो उसमें जरूरी नहीं कि हमेशा चीजें बड़ी चीज छोटी चीजों में टूटेंगी, कई बार ऐसा होता है कि उनके जो बीच के प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स कहते हैं, वो दूसरी चीजों को बनाने में भी उपयोग होते हैं। अब देखो कुछ एग्जाम्पल दिए इन्होंने, ग्लूकोज इज फेवर्ड सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन, ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। अब ग्लूकोज कैसे बना रेस्पिरेशन के दौरान, सबसे पहले बड़े कार्बोहाइड्रेट टूटे छोटे कार्बोहाइड्रेट्स में, है ना, जिनको डाइसेक्राइड्स कहते हैं, फिर डाइसेक्राइड्स टूटे ग्लूकोज में, ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब हुआ और इंडिविजुअल सेल्स में ब्लड ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाकर वो क्या हो गया, एस्पायर होने लगा, यानी ब्रेकडाउन होने लगा। लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है ये सबसे पहले एंटर करता है ग्लाइकोलिसिस में। एक बार फिगर 14.6 देखो, पेज 236 पर, यहाँ ऊपर हमें दिखाया कि कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेकडाउन होकर क्या बने, सिंपल शुगर्स यानी ग्लूकोज, ग्लूकोज से फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब ये वाला जो स्टेप है जिसमें डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है, ये दोनों तीन तीन कार्बन के मॉलिक्यूल हैं, मैंने बताया था, और ये एक दूसरे के डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं, इसीलिए इस पर टू वे वाला एरो बनाया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस समय डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट की आवश्यकता होगी उस समय ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होने लगेगा, यानी इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट हो जाएगा, और जब ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की जरूरत पड़ेगी बॉडी को तो क्या बनने लगेगा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी इसमें कन्वर्ट होने लगेगा, क्योंकि दोनों तीन तीन कार्बन के हैं, रीअरेंजमेंट से एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब ये जो चीजें हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट या ग्लिसरेल्डिहाइड फॉस्फेट, ये दूसरे चीजों को बनाने में भी काम आती है। अब तुम देखो प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन से एमिनो एसिड बनता है और एमिनो एसिड कन्वर्ट हो सकते हैं पिरुविक एसिड में, इसी तरह से फैट्स का ब्रेकडाउन फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, और ग्लिसरॉल कन्वर्ट किस में हो सकता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। तो इस तरह से ये जो हमारी डाइट के जो दो दूसरे पार्ट हैं फैट्स या फिर प्रोटीन्स, ये भी इस रेस्पिरेशन के पाथवे में एंटर हो सकते हैं। ये तो एक तरह से हमने ये समझा कि अलग अलग तरह के सबस्ट्रेट किस तरह से ब्रेकडाउन होके अल्टीमेटली CO2, H2O और एनर्जी रिलीज करते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर एक जो सबस्ट्रेट होता है, फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो या फिर प्रोटीन्स हो, इनके ब्रेकडाउन होने से अलग अलग अमाउंट में ATP रिलीज होता है, सब में बराबर नहीं होता। जैसे हमने ग्लूकोज का पढ़ा कि उसमें इतने ATP बनते, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक उसमें प्रोटीन्स में और फैट्स में उतने बने, उनमें कम या ज्यादा भी बन सकते हैं, ये उनका इम्पोर्टेंट बात है। अब इन पाथवे को एम्फीबॉलिक पाथवे क्यों कहते हैं, एम्फीबॉलिक पाथवे इसीलिए कहते हैं क्योंकि पिरुविक एसिड या फिर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट या फिर ग्लिसरॉल, इस तरह के मॉलिक्यूल दूसरी चीजों को बनाने में, दूसरे इम्पोर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स को बनाने में भी उपयोग आ सकते हैं। सपोज कुछ पिरुविक एसिड क्रैब साइकिल में एंटर करने के बजाय किसी और चीज के प्रोडक्शन में यूज हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ये एक कैटाबॉलिक ही नहीं, ये एक एनाबॉलिक पाथवे भी है, ये इंपॉर्टेंट बात है।
देखो आगे क्या दिया है, सिंस रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ सब्सट्रेट्स, रेस्पिरेशन हैज बीन कंसिडर्ड अ कैटाबॉलिक प्रोसेस बट दिस अंडरस्टैंडिंग इज करेक्ट। तो इसका आंसर इन्होंने दिया है, फैटी एसिड ब्रोकन डाउन टू एसिटाइल कोएंजाइम ए बिफोर एंटरिंग द रेस्पिरेटरी पाथवे वेयर इट इज यूज एज अ सब्सट्रेट, बट वेन द ऑर्गेनिज्म नीड टू सिंथेसाइज फैटी एसिड्स एसिटाइल कोएंजाइम ए पाथवे कम्स इन टू द पिक्चर, एसिटाइल कोएंजाइम ए वुड बी विदड्रॉन फ्रॉम द रेस्पिरेटरी पाथवे फॉर इट, हेंस द रेस्पिरेटरी पाथवे कम्स इन टू द पिक्चर बोथ ड्यूरिंग ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। इसका मतलब उस कंडीशन में क्या होगा, जिस समय फैटी एसिड्स बनने होंगे उस समय एसिटाइल कोएंजाइम ए फैटी एसिड्स बनाने लगेगा, उसी तरह से जब फिर एमिनो एसिड्स बनने की जरूरत होगी तो पिरुविक एसिड यूज होने लगेगा। तो ये चीजें यहां पर इम्पोर्टेंट है। सिमिलरली ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन टू रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट्स फॉर्म द लिंक, ब्रेकडाउन प्रोसेस विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कैटाबॉलिज्म एंड सिंथेसिस एनाबॉलिज्म, बिकॉज द रेस्पिरेटरी पाथवे इज इन्वॉल्व इन बोथ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, इट वुड बी बेटर टू कंसिडर रेस्पिरेटरी पाथवे एज एन एम्फीबॉलिक पाथवे रेदर देन अ कैटाबॉलिक वन, क्योंकि इसके जो बीच के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं ये जैसे कि हमने देखा फैटी एसिड्स या अमीनो एसिड्स को बनाने में उपयोग भी हो सकते हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, एम्फीबॉलिक पाथवे का एग्जाम्पल हुआ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है रेस्पिरेटरी क्वोशेंट। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी क्वोशेंट। रेस्पिरेटरी क्वोशेंट एक वैल्यू है जो हमें यह बताती है कि अगर कोई सब्सट्रेट ब्रेकडाउन के लिए रेस्पिरेटरी ब्रेकडाउन के लिए यूज हुआ है तो उसमें CO2 इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम, इनके बीच में रेशियो क्या है, उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी क्वोशेंट। तो रेस्पिरेटरी क्वोशेंट की डेफिनेशन क्या हुई, कितनी CO2 इवॉल्व हुई अपॉन कितनी O2 कंज्यूम हुई, इनके बीच में क्या रेशियो है, इसको हम आरक्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है और ये हर एक सबस्ट्रेट के लिए अलग अलग होती है, अलग जैसे कार्बोहाइड्रेट यूज हुआ तो अलग होगी वैल्यू, प्रोटीन हुआ तो अलग होगी, फैट हुआ तो अलग होगी। तो ये यहां पर क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, क्योंकि CO2 बाहर रिलीज होती है इसलिए इसको क्या लिखते हैं इवॉल्व, और O2 यूज होती है इसलिए इसको क्या लिखा है O2 कंज्यूम। तो जैसे सपोज करो कि हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में कितनी CO2 इवॉल्व होगी अपॉन कितनी O2 कंज्यूम होगी, इनके बीच की रेशो क्या कहलाएगी, रेस्पिरेटरी क्वोशेंट। अब वैल्यू देखो इन्होंने क्या दी है, कार्बोहाइड्रेट्स के केस में इस फ्रैक्शन की वैल्यू 1 होती है, यानी कि जितनी O2 यूज होगी उतनी ही CO2 के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ इक्वेशन भी दिए, C6H12O6 plus 6O2 gives 6CO2 plus 6H2O plus एनर्जी, तो यहां पर 6-6 मॉलिक्यूल दोनों के हैं तो इसीलिए रेशो होगी 1। अब आते हैं फैट्स के बाद, फैट्स के केस में वैल्यू है 1 से कम, फैट्स के लिए वैल्यू यहां पे लिखी है 0.7, यानी कि 1 से कम। तो इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि जो O2 कंज्यूम होगी फैट्स के केस में वो ज्यादा होगी, फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से कम कब होती है, जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है, तो फैट्स के केस में 0.7 है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन सा वाला फैट यूज हुआ है, क्योंकि फैट्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो यहां जो ये 0.7 वैल्यू दी है ये ट्राइपाल्मिटिन नाम के फैट की है, अलग अलग फैट्स की अलग अलग वैल्यू होती है। प्रोटीन्स की क्या दी है, प्रोटीन्स की वैल्यू दी है 0.9, यानी कि प्रोटीन्स के केस में भी ऑक्सीजन जो कंज्यूम्ड होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इवॉल्व CO2। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज इज दैट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आर ऑफन मोर देन 1, उसका कारण क्या है कि व्यक्ति या जानवर जो भी है वो एक साथ अलग अलग तरह की चीजों को कंज्यूम करता है, ऐसा नहीं होता कभी भी कि वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही खा रहा है या खाली प्रोटीन ही खा रहा है, इसी वजह से उसकी जो रेस्पिरेशन आरक्यू की वैल्यूज होती हैं बॉडी में वो मिक्स होती है,
वो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ 1 ही होगी या 0.9 ही होगी या 0.7 ही होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है और नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स हैं सिलेबस में, बाकी सब टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। पेज 239 पर ये चैप्टर है। अब मैं एक बार ये बता देता हूँ कि इसमें क्या है सिलेबस में। इसमें सिलेबस में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का मतलब प्लांट हॉर्मोन्स, जो पेज 247 पर दिए हैं। इनको हम करेंगे नेक्स्ट टाइम।